गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम अवधेश और आपको बताना चाहेंगे कि हिंदुओं का जो विवाह प्रथा है वो कितने तरीके का होता है और कैसे होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल लेंगे। ठीक है, हिंदू का जो विवाह रीति होती है वो लगभग 8 तरीके की होती है। इसमें आपको सबसे पहले आता है दह विवाह और फिर उसके आता उसके बाद आएगा आपका आर्य विवाह, चौथे नंबर पर आएगा प्रजापत्य विवाह, पाँचवें नंबर पर आएगा असुर विवाह, छठे नंबर पे आपका रहेगा गंधर्व राक्षस और जस्ट लास्ट वन पैसाचिक विवाह। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो दैव विवाह है या ब्रह्म विवाह है वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रह्म विवाह के बारे में हम लोग वो बात करेंगे। इसमें क्या होता है, ये एक आदर्श विवाह होता है, जैसे कि इसमें क्या कि हिंदुओं में या आदर्श विवाह है और सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित भी है। इसी के थ्रू क्या नाम की जो शादियां होती हैं, कन्यादान वगैरह होते हैं, इसी के तरह होता है, जिसमें क्या कि पिता जो है अपनी पुत्री को कन्यादान बोलता करता है, तो उसको कन्यादान विवाह भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है दाह विवाह। इस विवाह के अंदर कन्या का पिता अपनी पुत्री को, जिसे कोई सन्यासी वगैरह है या फिर पंडित वगैरह है या जो पूजा कराते हैं अमूमन, वो यदि आपका आप दान कर देते हो उनको या उनके साथ आप उनकी शादी वगैरह करा देते हैं, तो इस तरीके का विवाह जो है वो दैव विवाह के अंतर्गत आता है। ठीक है, और आर्य विवाह में क्या होता है कि इसमें प्राचीन काल में सन्यासी तथा ऋषि मुनि में यदि कभी क्या है कि घर गृहस्थी बसाने की इच्छा जागृत यदि हो जाती है, तो उसमें क्या करता है, पिता जो है अपनी पुत्री का शादी जो है या विवाह उनके साथ करा देता है, तो उसको आर्य विवाह बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है प्रजापति विवाह। इसमें क्या होता है कि ब्रह्म विवाह का ये एक विकृत या विस्तृत असंशोधित रूप आप इसको बोल सकते हैं। मूल ये इसमें जो आपस परिवार है, परिवार में भी आप इसमें शादी हो सकती है, पिता की तरफ से 7 और माता की तरफ से 5 पीढ़ी तक जुड़े लोगों के विवाह संबंध नहीं रखने रहा, जबकि प्रजापति विवाह पिता की तरफ से 5 एवं माता की तरफ से 3 पीढ़ियों के 100 पिंडों में ही विवाह निषेध की बात करता है। ठीक, और इसके बाद आपका आता है असुर विवाह। यह विवाह वह रूप है जिसमें ब्रह्म विवाह या कन्यादान के आदर्श के विपरीत कन्या मूल एवं अदला बदली की इजाजत दी गई है। ब्रह्म विवाह में कन्या मूल लेना कन्या के पिता के लिए निषिद्ध है। ब्रह्म विवाह में कन्या के भाई और वर की बहन का विवाह अदला बदली भी निषिद्ध होता है। और उसके बाद छठे नंबर पर आता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह यह आधुनिक प्रेम विवाह एवं पारंपरिक रूप था। इस विवाह की कुछ विशेष परिस्थितियों एवं विशेष वर्गों में स्वीकृति थी, परंतु परंपरा में इसे आदर्श विवाह नहीं माना जाता है। और उसके बाद आता है एक राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, यह विवाह आदिवासियों में लोकप्रिय है, जिसमें हिंदू विवाह में दी गई स्वीकृति है। प्राचीन काल में राजा और कबीलों के बीच में जब कभी युद्ध वगैरह होता था, तो उसमें जो जीतता था, तो जो राजा हार जाता था वो अपनी लड़की का या अपनी पुत्री का विवाह जीते हुए राजा के साथ करा देता था, तो ये एक जीत के प्रतीक के तौर पर भी इसको देखा जाता था, तो उसको ये राक्षस विवाह इसको बोला जाता है। ठीक है, और जस्ट लास्ट वन है एक पैसाचिक विवाह। इसको तो मैंने अभी कभी तक सुना ही नहीं था, अभी जब मैंने थोड़ी सी स्टडी वगैरह करी तो उसमें दिखा कि ये भी आ रहा है पैसाचिक विवाह। ये विवाह एक निष्कृष्टतम या घृणित रूप में माना जाता है, या इसको बोलते हैं जैसे जबरदस्ती किसी के साथ कुछ हो जाता है और मजबूरन में उस लड़की को उस व्यक्ति के साथ शादी करनी पड़ती है या शादी स्वीकारनी पड़ती है, तो इसको एक विवाह के रूप में माना गया है। इस विवाह से उत्पन्न संतान को वैध संतान के सारे अधिकार प्राप्त रहते हैं। तो ये थी थोड़ी सी छोटी सी जानकारी जो मुझे पता थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हिंदू विवाह क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या प्रथाएँ होती हैं। ठीक है, थैंक यू।